उत्तराखंड के निर्धन और गरीब परिवारों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि CIMS और UIHMG ग्रुप ऑफ कॉलेज 300 छात्रों को उच्च शिक्षा के मुफ्त कोर्स कराएगा। हल्द्वानी में क्यूट के चेयरमैन ललित जोशी और हिंदी सिनेमा के अभिनेता हेमंत पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि COVID-19 के दौर में अनाथ हुए बच्चे और गरीब निर्धन परिवारों के लिए यह मुहिम चलाई गई है। CIMS एंड UIHMG ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं, जिनमें 10 से ज्यादा कोर्सेज में छात्र मुफ्त लाभ उठा पाएंगे। 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तारीख रखी गई है। इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के 300 निर्धन गरीब बच्चों को मुफ्त में उच्च शिक्षा के तकनीकी कोर्स कराएगा, जिससे कि गरीब निर्धन परिवार के होनहार छात्रों को आसानी से उनकी मंजिल मिल सकेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, एक्चुअल में देखा जाए तो रियल हीरो तो ललित जी जैसे लोग हैं जो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने मुझे बताया कि मैं ये उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो और वो मुझे बोले कि ज़रा इसमें सहयोग चाहिए आपका, तो मैं दिल से बड़े हृदय के भावों को उनको समझ पाया। और मुझे भी अच्छा लगा कि एक पुण्य का काम, एक परिवार में एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल होता है, दो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, ये 300 बच्चों को निःशुल्क हायर एजुकेशन दे रहे हैं। तो और ऐसे बच्चे जब हम ट्रेनिंग के बल पे आत्मघाती बम बना सकते हैं, तो ट्रेनिंग के बल पे अच्छे बच्चे हम पैदा कर सकते हैं। निःशुल्क उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, IT की शिक्षा हम लोग हाई स्कूल और इंटर के बाद देने का काम कर रहे हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए जिन राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, उनके बच्चे कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन राज्य आंदोलनकारियों को भी हम सम्मान के रूप में उनके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इस देवभूमि के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, चाहे वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, अर्धसैनिक के रूप में हो, उनके परिवार के बच्चों को भी कहीं ना कहीं आर्थिक कारण के बाद अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते कर पाते हैं, तो उनको भी उच्च शिक्षा देने का हम प्रयास कर रहे हैं।